गोगुंदा जिले के गोगुंदा तहसील परिसर में गुरुवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर गोगुंदा तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते तहसील परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है और आम जनता परेशान हो रही है। गोगुंदा तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूर्व में सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार की हट धर्मता के चलते मांगे नहीं मानी जा रही है, जिसमें नायब तहसीलदार के पद को 100% पदोन्नति पद घोषित करना, सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार बनाना, पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए पटवारी पद का वेतनमान L8 निर्धारित किया जाए सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर आज तहसील परिसर में सामूहिक अवकाश पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। और उन्होंने बताया कि इसके बावजूद सरकार समझौते का क्रियान्वयन नहीं करती है तो 24 अप्रैल से समस्त कार्यों व प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर पटवार संघ अध्यक्ष विजय बेरवा, कानूनगो अध्यक्ष प्रकाश मेनारिया सहित राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबह से ही आसपास गांव के लोग राजस्व कार्य के लिए तहसील पहुंच रहे हैं, लेकिन तहसील में ताला लगे होने की वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। 4 अक्टूबर 2021 को सीएम साहब के साथ एक समझौता हुआ था, जिसकी समझौते के तहत जो बिंदु थे जैसे कि नायब तहसीलदार के पद को 100% प्रतिशत से भरा जाए, राजस्थान तहसीलदेवर सेवा से जो आया वो जिसको डायरेक्ट तहसीलदार पद पर लगा जाए, RS कैडर का रिव्यू, पटवारी कैडर रिव्यू, वो अभिलेखनशिप रिव्यू, पटवारी पद को टेक्निकल रूप से करना, उनकी ग्रेड पे 4800, इस तरह से करीब 900 समझौता हुआ था अक्टूबर 21 में। उसको समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन और अवकाश मिल गया।